आज मैं बात करूंगी एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिसका केवल नाम सुनने से ही अंग्रेजों के पसीने छूट जाया करते थे और सामंतवादी कोसों दूर भागते थे। इंडियन रॉबिन हुड के नाम से पहचाने जाने वाले गरीब आदिवासियों के मसीहा, अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाने वाले, ऐसे थे द ग्रेट इंडियन वॉरियर टंट्या मामा भील। भारत के रॉबिन हुड के नाम से विख्यात इस वीर योद्धा का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक छोटे से गांव में सन 1842 में हुआ था। उनके पिता का नाम भाऊ सिंह था। वे भील आदिवासी जाति के थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर और अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग में जन्म लेने की वजह से उनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी वे चतुर और चालाक व्यक्ति थे। तीर कमान और लाठी चलाने का उन्हें बचपन से ही शौक था और इसी शौक को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें हथियार चलाने की पूरी विद्या सिखाई, जो आगे चलकर उनके लिए एक पहचान बन गई। टंट्या मामा जब जवान हुए तो आदिवासी गरीब लोगों पर अंग्रेजों और सामंतवादियों द्वारा हो रहे अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। फिर उन्होंने कुछ लोगों की एक टीम बनाई और अंग्रेजों के साथ साथ सामंतवादियों के अनाज को लूट लूट कर गरीब लोगों में बांटना शुरू कर दिया। इस काम से वे लोगों के दिलों में बस गए और लोगों ने उन्हें एक नया नाम दिया, टंट्या मामा भील। और इसके साथ साथ लोगों की ये भावना बन चुकी थी कि जब तक टंट्या मामा जीवित हैं, तब तक कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते गए और सन 1857 की क्रांति में आदिवासियों की तरफ से वे हीरो बनकर सामने आए। अंग्रेजी हुकूमत इन्हें कभी नहीं पकड़ पाई और इसका कारण था जननायक टंट्या मामा भील तीर कमान, तलवारबाजी और लाठी जैसे हथियार चलाने में निपुण थे। इसके साथ साथ वे जंगली रास्तों के इतने जानकार थे कि पलक झपकते ही इधर से उधर छिप जाया करते थे और ब्रिटिश सरकार के सैनिकों के लिए इन्हें पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। रॉबिन हुड और जननायक टंट्या मामा भील की कार्यप्रणाली एक होने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी, क्योंकि रॉबिन हुड की तरह ही टंट्या मामा अंग्रेजों के साथ साथ लुका छिपी का खेल खेला करते थे। दरअसल आपको बता दें कि रॉबिन हुड एक विदेशी योद्धा था जो कि तीर कमान तलवारबाजी में निपुण था और राजा के खजाने से धन लूट करके गरीबों में बांटता था। जिस प्रकार वे लोगों के दिलों में बसते गए, उसी प्रकार अंग्रेजी हुकूमत की परेशानियां बढ़ती गईं और इसका कारण था उन्हें ना पकड़ पाना। फिर एक दिन ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि जो भी रॉबिन हुड को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। ये खबर जब उन तक पहुंची, तब टंट्या मामा अपनी टीम को लेकर जंगल में जा चुके थे। फिर एक दिन उन्हीं में से किसी ने इनाम के लालच में आकर के रॉबिन हुड को पकड़ा दिया। 11 अगस्त 1886 को जब उन्हें गिरफ्तार करके जबलपुर जेल ले जाया जा रहा था, तो बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा और उनके दर्शन के लिए पुलिस की घेराबंदी करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अंततः ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और 19 अक्टूबर 1889 को फांसी दी गई और सबको पाताल पानी के कालाकुंड रेलवे के पास दफना दिया गया। मसीहा बन चुके टंट्या मामा का आदिवासी समुदाय के लोगों ने वहां पर एक मंदिर बनवाया और उन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे, जो आज तक चला आ रहा है। कहते हैं कि आज भी उस रास्ते से गुजरने वाली ट्रेन 2 मिनट रुककर अपनी सलामी देकर ही आगे की दूरी तय करती है। टंट्या भील की गणना जननायकों के साथ साथ 1857 की क्रांतिकारियों में भी की जाती है,
जिसको इतिहास से छिपाया नहीं जा सकता और ना ही उन्हें भुलाया जा सकता है। इस प्रकार एक आदिवासी योद्धा का अंत हो गया, लेकिन आज भी वो भील समाज के लोगों में उसी तरह बसे हुए हैं जिस प्रकार उस वक्त थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आगे कंटिन्यू रखी जाएं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट।